हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछली बार देखा था पॉलिटी के इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, बेसिक्स और करंट के। और उसके पहले हमने देखा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पूरे एनालिसिस, 17 से लेकर 21 तक मैंने किए है पूरा एनालिसिस। यहाँ पर आई लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्लियर किया है, मेंस भी दिया है। यहाँ पर मेरा नाम और रोल नंबर देख सकते हो आप। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से साइंस और टेक के होने चाहिए अभी 2023 के प्रीलिम्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स कौन से है? तो वीपीएन काफी चर्चे में था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी ज्यादा चर्चे में था, स्पेशली चैट जीपीटी, फिर एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती क्या है। और मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक का भी वीडियो बनाया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। साइंस टेक का भी है और इवन अदर सब्जेक्ट्स का भी है, वहां पर आप देख सकते हो। मेजर मेजर टॉपिक्स इसमें से मैंने वहां पर भी कवर किए हैं, तो वो भी देख सकते हो आप। फिर डार्क नेट, प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी, पीएसएलवी जीएसएल में फर्क क्या है, कौन से ऑर्बिट रहते हैं, जो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, फिर एल्टीट्यूड कितना रहता है हर एक दोनों का, इसका दोनों का मेन पर्पज क्या होता है, फिर नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिटेशन ये क्या है, कितने सैटेलाइट्स है, कैसे कैसे ऑपरेट होते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, इंडिया का कितना एरिया कवर करते हैं, फिर सबमरीन, अलग अलग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सबमरीन रहते हैं तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन, फिर प्रोजेक्ट 15 भी है क्या, कौन से स्कॉर्पिन है, फिर अलग अलग है, कलावरी है, तो ये अलग अलग जो है वो क्या है, प्रोजेक्ट 15 बी में कौन से आते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड है क्या नहीं, तो वो भी इंपॉर्टेंट देखना चाहिए। फिर नोबेल प्राइज जो भी 2022 में मिले फिजिक्स में मेडिसिन में, तो उनके मेजर जो काम है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नाम एज सच तो नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है नाम, पर जो उन्होंने काम किया उसके ऊपर आएंगे, तो वो देख लीजिएगा। फिर लिथियम रिजर्व्स काफी चर्चा में थे, अभी राजस्थान में लिथियम रिजर्व्स मिले हैं तो काफी ज्यादा हद तक अच्छा है अपने लिए। तो लिथियम का क्या क्या एडवांटेज एप्लीकेशन है हर एक फील्ड में, अपने जो बैटरीज रहते हैं वो भी लिथियम आयन की ही होते हैं, LiON बोलते हैं उसे। तो फिर बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये क्या है, कौन अपॉइंट किया, कैसे अपॉइंट होता है, फिर ब्रह्मोस, ब्रह्मोस के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन, फिर रामजेट, स्क्रामजेट, DMRG, ये तीनों में फर्क क्या है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है इनमें, और फिर हाइपरलूप सिस्टम ये क्या है, एक वैक्यूम का ट्यूब है उसमें एक व्हीकल रहेगा, तो ये किसने किया है, स्पेसिक्स ने किया है, टेस्ला बोल सकते हो, किसने किया बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इलॉन मस्क का है प्रोजेक्ट ये। फिर आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस के ऊपर भी काफी चर्चा हो रही थी, तो उसके रिगार्डिंग उनके जो जो अचीवमेंट्स है, उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, किसके लिए, किसके रिगार्डिंग, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर स्पेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लैक होल्स वगैरह, उसके रिगार्डिंग फिर लीगो आ गया, लीसा आ गया, मतलब इसके रिगार्डिंग नहीं पर अलग अलग टर्म्स है स्पेस के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ। फिर नासा के जो जो डेवलपमेंट्स, रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो, इसरो के रिगार्डिंग, बस आप सर्च कीजिएगा इसरो डेवलपमेंट्स गूगल पर, तो आपको जो जो तीन चार साइट्स दिखेगी उसमें से एक दो साइट्स को बस पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो गए हैं। मेरे हिसाब से आप बस, आई गेस अभी मई में एग्जाम है ना, 2 हफ्ते बाद ही हो जाएगी मई में एग्जाम, तो उसके पहले का मतलब अप्रैल तक तो आपका करंट अफेयर्स होना चाहिए, 1 महीना पहले वो पूरा सेट हो जाता है पेपर, तो ठीक है अप्रैल तक आप पढ़ सकते हो मैक्स। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, कौन से इससे होता है ये, इसके क्या वजह है, फिर फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट बनाई है, तो वो क्या है, किसके रिगार्डिंग है, कौन से पैथोजन से, कितने इंपॉर्टेंट पैथोजन है उसमें, वो देखना चाहिए। आगे नासा का सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग वो क्या होता है, NFT और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है, वेब 1.0 से 5.0 तक क्या है डिफरेंस, कैसे अपग्रेड होते गया है, इसमें क्या क्या अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं, फिर LED LCD में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा फेवरेट ही क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा ना कुछ तो पूछते ही रहते। फिर एक नया एडिबल कोटिंग प्रोलॉन्ग शेल लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब एक कोई तो एक एडिबल कोटिंग आया है तो उसका जो यूज है, अगर आपने इसके ऊपर ये भी इतना कॉपी पेस्ट करके सर्च में भी डाल, शिमला मिर्च है तो उसके ऊपर इन्होंने ये कोटिंग किया था और दूसरे ऊपर बिना कोटिंग के वैसे रख दिया था, तो इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो गई थी, तो उसका क्या क्या नाम, उसके अंदर क्या क्या डाला था उन्होंने वो एडिबल कोटिंग के अंदर, तो ये नाम देख सकते हो, तो ये था पॉलीसेकेराइड्स और कुछ कुछ डाला था, तो ये सिर्फ ऐसा बोल सकते इतना आएगा, फिर ये किसके कंटेक्स्ट में था, तो ये सब भी आ सकता है आंसर। तो फिर क्रिप्टो जैकिंग क्या है, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और डिपार्टमेंट्स, मतलब उसमें से कौन से इनिशिएटिव लिए हैं रिसेंटली, तो मैंने तो मेजोरिटी अब तो कवर किया है, आप देख सकते हो मेरा साइंस और टेक का वीडियो है। फिर स्मार्ट प्रोग्राम आयुर्वेदा का, ये भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। फिर नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसका क्या यूज है,
स्टेम सेल्स क्या होते हैं, किसके फायदे, कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, या फिर हम बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं क्या नहीं, लंपी स्किन डिजीज क्या है, अभी का कैटल में काफी ज्यादा हद तक ये पाया गया था, ये क्या है, किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगा है। फिर टीबी, टीबी के रिगार्डिंग तो ए टू जेड आपके स्कीम्स के साथ आपका प्रिपेरेशन होना चाहिए इसके अंदर। टीबी को लेके काफी सीरियस है गवर्नमेंट। फिर मंकी पॉक्स, ये क्या होता है, ब्रेन फॉग, तो ये सब अलग अलग टॉपिक्स है, तो इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, और अगर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ये टेलीग्राम चैनल पर, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।